अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, दो तीन वीडियोस ही रिकॉर्ड कर सकी हूँ क्योंकि शोर हो गया था। और इधर छत के हालात आप लोग देख सकते हैं। एक ये वीडियो रिकॉर्ड की है प्योर सैंड की, एक रिकॉर्ड की है रेड कॉन्क्रीट की, और एक ये जो मेरा न्यू टेक्सचर था इसका ट्यूटोरियल अभी तक मैंने वैसे रिकॉर्ड तो किया हुआ लेकिन अभी तक शेयर नहीं किया। आप लोग को जल्दी मिल जाएगा। ये पहली दफ़ा मैं तो इतना अच्छा नहीं लगा था टेक्सचर, लेकिन आज इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई है। और बाकी कुछ टेक्सचर्स ये बने हुए हैं पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ। और अंदर वाले टेक्सचर भी पुराने ही हैं, ये चारकोल, और ये मेरा ग्रिटी सैंड का टेक्सचर, ये मेरा वाइट कॉन्क्रीट का टेक्सचर, और कुछ टेक्सचर्स ये बने हुए हैं, एक दो ये दोनों मिक्स हो गए हैं। ये अलग टेक्सचर है और ये वाली शेप्स अलग टेक्सचर की हैं, दोनों साथ जुड़ गई हैं। इसको भी अभी अलग करना है और छत की थोड़ी क्लीनिंग भी करनी है। तो अभी ये वाला जो टेक्सचर बचा है ना थोड़ा सा, इसको मैं आपको क्रम्बल करके दिखाती हूँ। इसकी दो शेप्स बनाई थी, एक तो प्योर सॉफ्ट है और एक ये वाली जो शेप है ना, ये बड़े मज़े की क्रम्बल हुई है। और जो इस तरह की थी ये तो सॉफ्ट ही बनी है। फुल डस्टी टेक्सचर है ये वाला। आज कुछ वीडियोस मैंने सनलाइट में भी रिकॉर्ड की हैं, आप लोग देख के बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। ये वाली शेप देखिएगा, इसको ना मैं थोड़ा सा सनलाइट के बगैर क्रम्बल करके दिखाती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा इस टेक्सचर को थोड़ा सा हार्ड करूँ या इतनी सॉफ्टनेस ठीक है इसकी। और अभी इसमें पता नहीं डस्ट रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, फुल डस्टी टेक्सचर है ये। काफी बड़ा टेक्सचर है ये वाला।
इसकी अभी मैं शेप्स बना लूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। और ये रेड डर्ट की बॉल्स बनाई हुई हैं, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ ताकि स्पेस बन जाए। आप लोग बताइएगा इसकी मैं वाटर क्रम्बलिंग करूँ या ड्राई क्रम्बलिंग करूँ। चलें जी, ये हो गई है अरेंज। ये मेरा ब्राउन डर्ट का टेक्सचर है, एक शेप इसकी टूटी हुई है, इसको क्रम्बल करती हूँ। ये सिफ्टेड टेक्सचर भी हो गया। अब चलते हैं अंदर। चारकोल की बारी ही नहीं आ रही। इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगी फॉर्मिंग बॉक्स के अंदर। इसकी वीडियो मैंने कभी ना फॉर्मिंग बॉक्स में नहीं की रिकॉर्ड, उसमें इसका साउंड अच्छा आएगा। इस टेक्सचर का हाल देखें, टूटा हुआ।
ये टेक्सचर अभी भी उधर का उधर ही है, इसकी बाड़ी नहीं आ रही, शायद कल इसकी बाड़ी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये दो टेक्सचर्स हैं और ये मिक्स हो गए आपस में, इसको नहीं मैं छेड़ूंगी। वाइट ग्रिटी टेक्सचर, चलें जी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग शुरू करती हूँ अभी इसके साथ ही। तब तक के लिए इस व्लॉग को देखें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, ठीक है? वो कल व्लॉग अपलोड हो जाएगा और ये सिचुएशन है अभी ओवरऑल। अल्लाह हाफिज़।